यूजुअली हमारे पास लिंक्ड लिस्ट का नेक्स्ट होता है, बट इसमें लिंक्ड लिस्ट में बॉटम पॉइंटर भी दिया होता है, और उसको कैसे हैंडल करना है वो हमें इस प्रॉब्लम से पता लगता है। जो फ्लैटन है लिंक्ड लिस्ट प्रॉब्लम है, उसमें भी मर्ज टू सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अगर तुम फ्लैटन है लिंक्ड लिस्ट वाली प्रॉब्लम करने लगे हो, तो पहले मर्ज टू सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट कर लेना, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लैटन लिंक्ड लिस्ट में यूज होगा, और वो और भी बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है। हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो आप रिवाइज कर सकते हो बिफोर योर इंटरव्यू। सो दीज आर सम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं, एंड मुझे लाइक इंटरव्यू से पहले अगर ये रिवाइज कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी रिवाइज हो जाएंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज LRU कैशिंग। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हैं, जैसे कि आप इसमें हैश मैप यूज होता है, इसमें हम डबली लिंक्ड लिस्ट यूज करते हैं, तो इससे हमारे दोनों के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। सिंटेक्स ले लो या जो भी फंक्शंस होंगे वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। सो ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ये रिवाइज ज़रूर करना। सेकेंड प्रॉब्लम इज एलोकेट मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, या फिर पेंटर्स पार्टीशन प्रॉब्लम। सो ये दोनों प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, जस्ट लाइक स्टोरी अलग है। सो इसमें बाइनरी सर्च ऑन आंसर का कॉन्सेप्ट है, तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स है, तो अगर ये भी इंटरव्यू से पहले रिवाइज कर लेंगे सो इनकेस। और ये प्रॉब्लम्स ऑनलाइन टेस्ट में भी पूछी जाती हैं, तो कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, मे बी वो स्टोरी चेंज कर दे, बट अगर ये हमने प्रॉब्लम्स पहले कर रखी हैं तो हम समझ जाएंगे कि जब ये ऑनलाइन टेस्ट में भी आया या फिर इंटरव्यू में भी पूछा, तो हम समझ जाएंगे कि ये उससे सिमिलर लग रही है, तो इसमें बाइनरी सर्च ऑन आंसर वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। सो ये प्रॉब्लम्स जरूर कर लेना। थर्ड प्रॉब्लम इज मिन कॉस्ट पाथ। सो ये प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स डीपी की प्रॉब्लम। सो ये भी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो और भी बहुत प्रॉब्लम्स में हम यूज कर सकते हैं। सो ये वाली प्रॉब्लम भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये ऐसी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स काफ़ी पूछी जाती है इंटरव्यूज में, जैसे मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स, या जहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाना होता है, या डीपी मैट्रिक्स वाली प्रॉब्लम्स। सो ये इंटरव्यू में काफ़ी पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसी के सिमिलरली जैसे DFS या BFS की मैट्रिक्स वाली कोई प्रॉब्लम होगी वो भी कर सकते हो। सो ये प्रॉब्लम मिन कॉस्ट पाथ भी रिवाइज कर लेना। फोर्थ प्रॉब्लम इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। सो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके जैसे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे एक्सटेंड होके। सो इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम में। सो इसमें जैसे लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग भी इसी पे डिपेंडेंट है, सो ये वाली प्रॉब्लम जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो वेरी फेमस प्रॉब्लम ऑफ DP, विच इज नैपसैक प्रॉब्लम। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नैपसैक प्रॉब्लम या सबसेट सम प्रॉब्लम, ये दोनों एक जैसी प्रॉब्लम्स हैं। सो ये इस पे बेस्ड भी ऑनलाइन टेस्ट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लाइक ऑनलाइन टेस्ट में मैंने बहुत देखे हैं ऐसे क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड हो, और इंटरव्यू में भी वो पूछ सकते हैं नैपसैक या सबसेट सम जैसी प्रॉब्लम्स। सो ये वाली प्रॉब्लम भी जरूर रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। सो ये वाली प्रॉब्लम पे भी बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी, क्योंकि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी लाइक प्रॉब्लम्स मैंने देखी है जिसमें सेम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है जो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम में होता है। सो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि बेसिकली वो प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, बट उसी के सेम कॉन्सेप्ट की और बहुत प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। सो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, नैपसैक प्रॉब्लम और लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ये सारी DP की प्रॉब्लम्स है जो इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं की वेरिएशन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। सो ये प्रॉब्लम्स एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना है इंटरव्यू में, या तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहा है तो उसमें भी यही वाली DP की प्रॉब्लम्स को वो थोड़ा मोल्ड करके पूछ लेते हैं। सो ये वाली जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लिंक्ड लिस्ट टॉपिक में से है, एक है फ्लैटन एंड लिंक्ड लिस्ट। सो वो वाली जो प्रॉब्लम है ना, उसमें अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसमें हमें जैसे यूजुअली हमारे पास लिंक्ड लिस्ट का नेक्स्ट होता है, बट इसमें लिंक्ड लिस्ट में बॉटम पॉइंटर भी दिया होता है, और उसको कैसे हैंडल करना है वो हमें इस प्रॉब्लम से पता लगता है। सो फ्लैटन एंड लिंक्ड लिस्ट एक प्रॉब्लम है, वो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, अगर तुमने नहीं करी हो तो एक बार जरूर करना उसको। वो प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है और वो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, सो वो प्रॉब्लम रिवाइज कर लेना। सेकेंड प्रॉब्लम जो लिंक लिस्ट में से ही तुम रिवाइज कर सकते हो वो है मर्ज
मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट. सो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है मर्ज टू सॉर्टेड, ये काफी जगह यूज होता है, क्योंकि जो फ्लैटन एंड लिंक लिस्ट प्रॉब्लम है उसमें भी मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो अगर तुम फ्लैटन एंड लिंक लिस्ट वाली प्रॉब्लम करने लगे हो तो पहले मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट कर लेना, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लैटन लिंक लिस्ट में यूज होगा और वो और भी बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है. तो मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट अगर तुम्हें आता है तो काफी जगह तुम्हारी हेल्प हो सकती है, जहाँ पे तुम्हें दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट मिली और तुम्हें उन्हें मर्ज करना. और उसके बाद आ जाते हैं ग्राफ के एल्गोरिदम्स. सो ग्राफ के जो भी एल्गोरिदम्स है, जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च, प्रिम्स, क्रूस्कल, डाइकस्टर, बेलमैन फोर्ड, ये सारे एल्गोरिदम्स तो पक्का करके ही जाना रिवाइज, क्योंकि इनके बेसिस पे प्रॉब्लम वो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट में भी पूछ सकते हैं और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं. सो ये सारे जो एल्गोरिदम्स हैं, ये देखो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जैसे प्रिम्स जो है वो, प्रिम्स और डाइकस्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा फर्क है. ये जो ग्राफ के प्रॉब्लम, ग्राफ के एल्गोरिदम्स है, जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये बहुत यूज होते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स बन सकती है, जैसे इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च लग रहा है, तो इंटरव्यूअर ये भी बोल सकता है कि इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च से करो. तो उस टाइम पे हमें दोनों आने चाहिए एल्गोरिदम्स, ऐसा नहीं कि हमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च से करना नहीं आ रहा तो वो एक रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा. हमें दोनों एल्गोरिदम से अच्छे से करना आने चाहिए. तो ये सारे एल्गोरिदम्स रिवाइज कर लेना एक बार. एंड लास्टली, बाइनरी ट्रीज में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट एक जो क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगता है, जिसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो है फाइंड लार्जेस्ट बीएसटी. सो इसमें क्या होगा कि हमें एक ट्री दिया होगा और उसमें से हमें लार्जेस्ट बीएसटी निकालना है. सो इसमें काफी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होता है क्लास बनाने का, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा आगे काफी क्वेश्चंस में. ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मुझे लगता है कि और भी बहुत हैं, बट ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो तुम इंटरव्यू से पहले रिवाइज कर सकते हो, ताकि तुम्हारे मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.